लखनऊ से मिल रहे हैं। बाइक बोट घोटाले से जुड़ी हुई यह खबर, पीएन तिवारी मेरठ से गिरफ्तार हो गया, पीएन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाइक बोट घोटाले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, पीएन तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया है। 3500 करोड़ के बाइक बोट स्कैम का ये सरगना, ये 50,000 का इनामी पीएन तिवारी पकड़ा गया है, पीएन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये गिरफ्तारी की है एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तारी की है और घोटाले की जांच चल रही है। ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रहा है। इस बीच में एसटीएफ को एक कामयाबी मिली है इस मामले में, सरगना 50,000 का इनामी पीएन तिवारी, 3500 करोड़ के बाइक बोट घोटाले का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएन तिवारी मेरठ से पकड़ा गया है, मेरठ से इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसकी तलाश की जा रही थी, इसको ढूंढा जा रहा था लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब पकड़ा गया है, इस वक्त की बड़ी खबर, पीएन तिवारी को पकड़ लिया गया है। 3500 करोड़ का बड़ा घोटाला, एक बड़ा स्कैम। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, मेरठ में एग्जैक्टली कहां से पकड़ा गया है, वहां पर क्या करने के लिए गया हुआ था, जो डिटेल्स, जो जानकारी आपके पास है सबसे पहले दर्शकों को दें। जी राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि बीएन तिवारी लखनऊ के गोमती नगर का रहने वाला है और यहाँ पर उसकी एक कंपनी चलती है मार्स इंटरनेशनल के नाम से। ये बाइक बोट घोटाले में जो नोएडा की कंपनी है गर्वित इंफोटेनमेंट, उससे जुड़ा हुआ था और इसने तमाम जो बसपा नेता हैं, संजय भाटी की ये कंपनी है गर्वित, उससे जुड़ के निवेशकों को करीब 3500 करोड़ रुपये का चूना लगाया था। ये गर्वित कंपनी का फाउंडर मेम्बर में से है। एसटीएफ ने, ईडी ने इस पे 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। एसटीएफ इसकी तलाश कर रही थी, इसको मेरठ से आज गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी एसटीएफ के अधिकारी ये नहीं बता रहे हैं कि मेरठ में कहां से इसको पकड़ा गया है, इसको लखनऊ ला के पूछताछ करने की तैयारी चल रही है। बहुत सारी जानकारियाँ इससे सामने आएंगी। जो एक वीरेंद्र सिंह हुड्डा, जो एक और कंपनी का बड़ा सदस्य है, वो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। वीरेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा जा रहा है कि वो विदेश भाग चुका है। जब ये ईडी की जांच आगे बढ़ी है, जब ईडी का शिकंजा कसने लगा है इन लोगों पर, तो वीरेंद्र सिंह हुड्डा विदेश भाग गया है, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी कि वो कहाँ है और किस देश में है। उसको लाने की कोशिशें शुरू होंगी, तमाम प्रयास शुरू होंगे। अभी फिलहाल जो बीएन तिवारी है, जो मेन आरोपी माना जा रहा है, संजय भाटी के बाद जो दूसरा मेन आरोपी माना जा रहा है इस 3500 करोड़ रुपए के घोटाले का, उसको एसटीएफ लखनऊ लाके विवेक मैं चाहता हूं दर्शकों को आप जल्दी से ये भी जानकारी दे दें कि बाइक बोट स्कैम से जुड़ी हुई कुल कितनी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं और कुल कितनी गिरफ्तारियां अभी बाकी है, किस किस को ढूंढ रही है पुलिस। जी अभी तक देखिए इसमें 6 नाम सामने आए थे, अभी तक 3 लोग को गिरफ्तार किया गया है और अभी जो पीएन तिवारी है वो सबसे अहम कड़ी था। ये कई दिनों से फरार चल रहा था, अंडरग्राउंड था, एसटीएफ इसकी तलाश में कई जगह दबिश दी गई थी। इसका गोमती नगर आवास की बीते दिनों ईडी ने कुर्की की कार्रवाई भी की थी। इसको लेकर एसटीएफ के अधिकारी संजीदा थे और उन्होंने जो इसके फ़ोन नंबर हैं, इसके करीबियों के फ़ोन नंबर हैं, तमाम मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए थे। अभी जो पीएन तिवारी की गिरफ्तारी के बाद एक और अहम गिरफ्तारी वीरेंद्र सिंह हुड्डा की बाकी है। बाकी सभी आरोपी इसके जेल में है। संजय भाटी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। अभी जो इन लोगों से पूछताछ के बाद जो मददगार हैं, जो तमाम कंपनी के और लोग हैं जिनके नाम विवेचना में सामने आए, देखिए 6 नाम इंपॉर्टेंट थे जिनके नाम नामजद एफआईआर हुई थी, उनमें से सिर्फ एक वीरेंद्र सिंह हुड्डा की गिरफ्तारी बाकी है। बाकी जो विवेचना में धीरे धीरे जो नाम सामने आएंगे, किसी ने सहयोग किया, कोई एजेंट था, इसमें तमाम जो कड़ियां लंबी जुड़ेंगी। इसमें विवेक आप हमारे साथ बने रहे, आगे हम आपके पास लौट रहे हैं। लेकिन एक बड़ी कामयाबी मिली है, एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एक सवाल यह भी है कि मेरठ में था, यानी कि मदद तो कोई ना कोई कर ही रहा था, तो इन मददगारों को भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको पकड़ना चाहिए और उन पर भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए।